हाय, हाउ आर यू? होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक वैकेंसी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये वैकेंसी 29/8 को आई थी, 29/8 को ये वैकेंसी आई थी, और ये वैकेंसी CMA क्वालिफाइड के लिए भी है एंड CMA इंटर क्वालिफाइड के लिए भी है, तो ये दोनों के लिए वैकेंसी है। सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर का है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज यानी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक PSU है, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट 40 to 45 ईयर्स है एंड ये हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसी आई है, यानी कंसल्टेंट फी आपको कितना मिलेगा? 35,000। सेकेंड वैकेंसी है इसमें असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए, जिसमें अगर आप BCom है और विथ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपके पास BCom भी होना चाहिए और 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फर्स्ट वाले में था डिग्री इन कॉमर्स विथ एटलीस्ट CA ICWA विथ, यानी डिग्री इन कॉमर्स का मतलब आप BCom ग्रेजुएट भी हो, प्लस या तो आप CA हो या फिर आप CMA हो, प्लस आपके पास 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी स्पेसिफाइड फील्ड, बजट से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिलेटेड, देन ही आप इतना अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो ग्रेजुएट विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऑफ द कंसर्न लाइन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है अकाउंटेंट के लिए, वो MCom प्रिफेयर टू CA इंटर्न एंड ICWI इंटर, यानी जो CA इंटर क्वालिफाइड है या फिर CM इंटर क्वालिफाइड है और विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपके पास 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है CMA इंटर क्वालिफाइड होने के बाद, आपने 2 साल कहीं भी काम कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये आपको पे होगा। इसमें अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, तो दो एक करके काफ़ी सारी वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, तो आप यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो वैकेंसीज है वो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन आप इनके साइट पे वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। BECIL रजिस्ट्रेशन हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट पे जाके और आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, देन आपका फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वो भी आप लगा सकते हैं, इन सबको आप इन सबमिट करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस दे रखा है, मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो फीस है वो जनरल कैटेगरी से 750 रुपीज, 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, यानी मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाइड करते हो तो आपको 500 एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा हर पोस्ट के लिए, एंड OBC के लिए भी 750 एंड 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। SC ST के लिए 450 फीस है, आप फीस यहाँ पे देख सकते हो। EWS के लिए अलग अलग सबके लिए, वोमेंस के लिए 750 सेम ही है। BECIL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन तभी करना जब आपकी नेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, बिकॉज अगर आपकी नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो आपका एप्लीकेशन हमेशा प्रॉब्लम करेगा और जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम नेट का नहीं है, आप अपनी नेट की स्पीड चेक कर लो, देन ही आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करो एंड पेमेंट करो। तो जस्ट आपको BECIL के साइट पर जाना है एंड इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर सकते हो। अब इसका डेट काफ़ी है, 21st है इसका शायद लास्ट डेट, 21st सितंबर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो अभी आराम से आप इसको कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।